पावन प्रकाश पर्व के रूप में, और आज का ये सुखद संयोग है कि आज की ये तिथि जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी 15 नवंबर की तिथि मनाई जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जो भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धरती आबा के रूप में विख्यात भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन पावन तिथियों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज काशी में देव दीपावली इस पावन पर्व का साक्षी बनने के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदया और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, काशीवासियों के साथ में और देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों के साथ इसका साक्षी बन रहे हैं। तीनों लोकों में न्यारी हमारी ये काशी है, बाबा विश्वनाथ का पावन धाम, मां गंगा की अविरल धारा, यहां के पवित्र तीर्थ अपने आप में काशी को देश और दुनिया की एक अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में प्रस्तुत करती है। पिछले 10 वर्ष के अंदर हम सब भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है और उसका साक्षात अनुभव अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वह काशीवासी उसके सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने नए भारत के बदलते हुए स्वरूप में इस नई काशी का दर्शन भी किया है। जो काशी अपनी पुरातन परंपराओं की विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में हम सबके सामने है। आज काशी विश्वनाथ धाम हो, काशी के पवित्र तीर्थ स्थल हो, पवित्र तीर्थों, काशी से में जुड़ी हुई मां गंगा की पवित्र धारा को देख करके ही कितना परिवर्तन हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले यहां पर गंगा जी का जल आचमन तो दूर, स्नान के लायक भी विशेषज्ञ नहीं ठहराते थे, कहते थे कि नहीं, खतरनाक लेवल तक प्रदूषण पहुंच चुका है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां गंगा की अविरलता और निर्मलता न केवल स्नान के लिए बल्कि अब आचमन भी हम गंगा जल का काशी में कर सकते हैं, यह सौभाग्य भी हमारी इस विरासत को प्राप्त हुआ है। आज से 5 वर्ष पहले तक काशी में काशी विश्वनाथ धाम की क्या स्थिति थी और वहां पर एक साथ 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब काशी में एक साथ अगर आप काशी को देखेंगे तो काशी विश्वनाथ धाम में एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आप पहुंच जाएं तो आसानी से दर्शन कर सकते हैं, और सावन के महीनों में प्रमुख पर्व और त्योहारों में ये संख्या लाखों में पहुंचती है। सुगम दर्शन भी है, आध्यात्मिक अनुभव भी है, और काशी को न केवल अपनी विरासत के साथ बल्कि विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ते हुए आज एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काशीवासियों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। काशी में अनगिनत कार्य हुए हैं, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो, देश का पहला वाटरवे जो काशी से ही हल्दिया तक जा रहा है, इसी घाट के बगल में
उसी दूरी पर ये यहां से वाटरवे नंबर एक प्रारंभ हो जाता है और इसके साथ ही काशी ने यहां की सड़कों के चौड़ीकरण को भी देखा है। पहले काशी अपने घाटों की गंदगी के कारण, काशी की संकरी गलियों के कारण जाना जाता था, लेकिन आज काशी की पहचान काशी के स्वच्छ और सुंदर घाट दे रहे हैं, काशी के धाम दे रहे हैं, काशी की चौड़ी 4 लेन और 6 लेन की सड़कें दे रही हैं, काशी की ट्रेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रही है और काशी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज काशी को एक नई पहचान दे रहा है। उन स्थितियों में ये देश के सबसे बड़े घाट का, जिसे नमो घाट के रूप में यहां पर संबोधित किया जा रहा है, काशीवासी और देश के आम जन के मुंह से इस घाट के बारे में नाम निकलता है कि नरेंद्र मोदी घाट, यानी मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके नमो घाट का जो भव्य स्वरूप बना है, सबसे बड़ा घाट, और एक घाट ही नहीं है, यानी स्नान घाट भी है। इसी घाट के ऊपर ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और जैसे कि माननीय पुरी जी बोल रहे थे, एक घाट के बनने के पहले पूरा क्षेत्र कच्चा था, गंदगी थी, अंधेरा रहता था, लोग आने से डरते थे, लेकिन अब सबसे सुंदर घाट, सबसे बड़ा घाट, सबसे लंबा घाट, इसमें कार्यक्रम भी होंगे। इससे पहले भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं, G20 के अनेक कार्यक्रम यहां पर हुए हैं, काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम गत वर्ष यहीं पे हुआ था और अब तो यहां पर यहां के नाविकों के जीवन के सुधार करने के लिए 700 से अधिक नावों में CNG के इंजन लगा करके CNG की सुविधा भी, फ्लोटिंग CNG की स्टेशन स्थापित करके उन्हें यह सुविधा भी इस घाट से उपलब्ध करवाई जा रही है। आज काशी में सब कुछ है, एक सर्वांगीण विकास का एक नया मॉडल काशी बन रहा है और स्वाभाविक रूप से काशी का ये नमो घाट उन सब में देव दीपावली के आनंद को और कई गुना बढ़ा दे रहा है। स्वाभाविक रूप से ये देवताओं की दीपावली मानी जाती है, प्राचीन काल से लोग इसके साथ जुड़ते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज काशी की देव दीपावली वैश्विक मंच पर छाती भी दिखाई दे रही है और देर रात्रि में जब दुनिया काशी की इस देव दीपावली के आनंद को लेगी, यहां पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लेगी, तो उसे काशी में कुछ नयापन नजर आएगा और उस नएपन का पर एक नई कड़ी जुड़ रही है आज नमो घाट की। नमो घाट के लोकार्पण के अवसर पर हम काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं माननीय श्री हरदीप पुरी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, माननीय राज्यपाल जी के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके आज इस काशी के नमो घाट के लोकार्पण कार्यक्रम में आज उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से काशीवासियों को नमो घाट के लोकार्पण, काशी के देव दीपावली कार्यक्रम और कार्तिक पूर्णिमा की हृदय से बधाई देते हुए आप सबको देव दीपावली का आनंद आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में सदैव इसी उल्लास के साथ प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से ही प्रार्थना करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।